मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद। वक्त लाए खुदा जाए दरबार पर, और खड़े हो के रोज़ाए सरकार पर, पेश मिलकर करे अब दुरूद ओ सलाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, है मेरे मोहम्मद का नाम। वो ही हसनी हुसैनी चमन के फूल, दूरे मौला अली जाने सहारा बदूल, जिनके नाना रसूल खुदा से मकाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे सैयद का नाम, मीठा मीठा है मेरे नबी का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, है मेरे मोहम्मद का नाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मुजाहिद शेख साहब, वो जिसको कहते हैं ना जी आया नू, वेलकम और खुश आमदीद, बहुत खुशी हुई है आप इस फकीर के घर तशरीफ लाए हैं। ये हमारी इज्जत अफजाई है कि आपने हमें वेलकम किया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि मेहमान बाईस रहमत होते हैं, तो आप आए तो मेरे घर में रहमत आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए तशरीफ लाइए। रूफी साहब, नात खानी के मैदान में किस तरह से आप आए? अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने होश संभाला है तो मैंने अपने आसपास अपने घर में महाफिल मिलाद ही देखी है। मेरी वालिदा मोहतरमा, अल्लाह उनके करोड़ों दर्जात बुलंद फरमाए, आप हर महीने अपने घर में महफिल मिलाद ख़वातीन का मुनक़द किया करती थी, मैं सुना करता था। देट वॉज़ माई इंस्पिरेशन जी। तो फिर मैं नातें पढ़ना शुरू हुआ। मैं छोटा सा था तो मेरे घर के नज़दीक एक जामिया मस्जिद जूदी होती थी, तो रमज़ान में सहरी से पहले मैं चला जाता। अगर मैं लेट हो जाता तो मस्जिद पे अनाउंसमेंट हो जाती कि रूफी जल्दी आ जाए, आके नाते पढ़े, सहरी का वक्त कम रह गया। तो मैं सहरी के वक्त तक वो नाते पढ़ता होता था वहाँ, और लोग बड़ा सुनते होते थे। और इसी तरह मुझे मेरे एक हमसाए में थे बुज़ुर्ग, वो मैं अक्सर ये बताता हूँ कि वो साइकिल होता है ना जी, साइकिल के आगे एक टोकरी सी लगी होती थी, उस टोकरी में मैं आ जाया करता था, मुझे उसमें बिठा के ले जाते थे किसी महफिल में। तो मेरी तो जो ब्रॉटअप है वो महाफिल नात के एनवायरमेंट में हुआ है, मगर फिर मैं बस नदामा से ही बता रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आया तो फिर मुझे कुछ म्यूज़िक का और गज़लों का शौक़ हुआ,
और फिर वो जल्दी ही ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अम्मी जी की मुझे बड़ी दुआएं होती थी कि उनको पसंद नहीं था मेरा ये म्यूज़िक की तरफ जाना, तो हमेशा दुआएं मांगा करती थी कि अल्लाह ये नात खानी शुरू कर दे। मैं कभी कभार तो पढ़ता ही था, मगर एक जिसको कहना चाहिए ना एक भरपूर अंदाज में, वो फिर उनकी दुआ मैं समझता हूँ, अल्लाह का फजल व करम हुआ, उनकी दुआ कबूल हुई। तो नात खानी से पहले आपका प्रोफेशन क्या था, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में, यहीं से मैंने एमएससी में मेरा रूरल सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था और पीएचडी में मेरा था एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। तो मैं 20-25 साल के करीब पढ़ाया, फिर मेरी इतनी डिमांड बढ़ गई पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, कि मैं यूनिवर्सिटी को फिर कंटिन्यू नहीं कर सकता था। देन फिर यूनिवर्सिटी को छोड़ा और पूरा वक्त जो है वो इसी के लिए वक्त किया हुआ है। आपका नात खानी में एक मुख्तलिफ अंदाज रहा है, जैसे डफ बजाना, डफ के साथ आपके साथ लोग होते थे, ये कैसे आपने इंट्रोड्यूस करवाया? खासी मुश्किल तो हुई होगी आपको। एक मेरे दिल में ना, वो मैं जिस वक्त ये नात खानी की तरफ मेरा रुझान हुआ, उस वक्त जो एक यूथ थी ना जी, वो यूथ को मैं कभी कभार पूछता ना कि आप ये गाना क्यों सुन रहे हैं, मुझे उसके लिरिक्स अच्छे नहीं लगते होते थे, कि ये इनकी शायरी अच्छी नहीं है, ये बच्चे क्यों सुन रहे हैं। मैंने बच्चों से पूछना आप क्यों सुन रहे हैं, तो वो कहते थे हम इसकी बीट को एंजॉय करते हैं। यानी उनको लिरिक्स का कोई नहीं था अंदाज़ा कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, मगर वो एक बीट जो है ना उसको एंजॉय करते। तो मेरे जहन में ये बात थी कि बच्चे जो है ना बीट के ऊपर, बीट के ज़रिए इनको इस तरफ लाया जा सकता है। तो फिर सोचा कि इस्लामिक बीट कौन सी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो जहन में आया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट करके गए हैं तो कबीला नजार की बच्चियां थीं, वो को आम बच्चियां नहीं थीं, सैयदजादियां थीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल की बच्चियां थीं वो। और उन्होंने दफ के साथ तौलाल बद्र अलैना ये वाला जो कलाम सुनाया और हुजूर ने बड़ा पसंद फरमाया। ये इस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया और मैं दफ को फिर मैं लेकर आया और ये पूरे इस सब कॉन्टिनेंट में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो इसको दफ से लेकर आया। कितनी तादाद थी कैसेट्स की जब पहली आपकी मकबूलियत हुई? ये तो नहीं याद है, मगर वो मुझे कहते थे जी ट्रकों के ट्रक भर भर के जाते हैं, यहाँ से ट्रक भरता था और रस्ते में डिलीवरी करते करते तक कराची तक जाते थे। अच्छा, कौन सी ऐसी नात थी जो बहुत मकबूल हुई आपकी पहली? मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। कुछ याद पड़ता है कि कितनी दफ़ा आप सुना चुके हैं, कितनी दफ़ा? मेरी तो कोई ऐसी महफिल नहीं है जिसमें ये मैं ना पेश करूँ, लाजमी हर महफिल का ये परमानेंट जुज है। अच्छा, आप दफ के ज़रिए नात खानी का आपने आगाज़ किया, ये भी हमने सुना है कि शायद कुछ तनकीद भी लोगों ने आप पे की शदीद। लोग तो नौज़ बिल्ला नात पे भी तनकीद करते हैं, लोगों का क्या है, हमें अपना सफ़र जारी रखना है। क्या कुछ नहीं मुखालफतें हुई उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या कुछ नहीं उन्हें कहा गया, मगर उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। तो ये लोग बोलते रहते हैं हमें अपना सफ़र जारी रखना है, हमने जो कुछ भी करना है अपनी आखिरत के लिए करना है, और कौन चाहता है कि मेरी आखिरत ख़राब हो जाए। मैंने बड़ी तस्दीक के बाद ये शुरू किया है। रफी साहब, आप किससे मुतासिर थे, कौन से ऐसे नात खान थे जिनको आप सुनते थे या आप सुनते थे? नात में जो एक ही नाम है वो है आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। अब तक लोग उनके शहर से कोई भी नात खान नहीं निकल सका। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि लोग कहते हैं आप बड़े महंगे नात खान हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आज आपके सामने इस चीज़ का इकरार करता हूँ। देखें, मैंने एक अपना पैरामीटर बनाया हुआ है, ऐसे लोगों के पास भी मैं जाता हूँ कि जिनको मैं बखुदा अपने पल्ले से पैसे दे के आता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ ये तू गरीब आदमी है, तो कई जगह ऐसा हुआ कि मैंने कहा जी जो लोग मुझे नजराना दे रहे हैं ये भी इस बंदे का हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्होंने पूरी मार्केट से 400 दुकानों से पैसे इकट्ठे किए होते हैं, वहाँ फिर मैं मांगता हूँ कि तुमने इतने लोगों से लिए हुए हैं तो उसमें से मुझे भी दे दो। और फिर ये कोई 40वां, कोई कुल शरीफ हो, इस तरह की महफल का मैं वैसे ही नहीं लेता।
आने जाने की, इवन कराची में बाई एयर भी जाऊं पूरी टीम आए जाएगी, मैं हम पैसे नहीं लेते। ऐसा कोई वाकया हमारे साथ शेयर करें जहां पे आपको बड़ा मजा आया हो और करम की बरसात हुई हो वहां पे? हर जगह ही होता है जी, मैं स्पेशली मदीना शरीफ में वहां की कम्युनिटी ने, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उन्होंने महाफिल मिलाद कुछ मुनक्कद की और फिर मुझे वहाँ उन्होंने अवार्ड्स और शील्ड्स भी दी वहाँ से। तो वहाँ पर उस बारगाह में आप देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता हो कि आप करीब तशरीफ़ फरमा हैं, बल्कि मैं तो बड़ी दफ़ा कोशिश करता हूँ कि हुजूर के पास जाके कुछ पढ़ सकूँ, वहाँ तो ज़बान जो है वो जिसको पंजाबी में कहते हैं थथी हो जाती है, वहाँ फिर वो खामोशी की ज़बान आंसुओं की ज़बान ही चलती है। तो मदीना शरीफ में वो महफिलें मेरा पढ़ना और वो महाफिल मैं भूल नहीं सकता जी। हुजूर की बात करते हुए वहाँ पर ऐसे लगता है हुजूर तशरीफ़ फरमा है, सुन रहे हैं, फिर नहीं, आई कॉन्ट एक्सप्लेन क्या क्या वहाँ रूहानियत होती है मदीना शरीफ के अंदर, वो नहीं बयान की जा सकती। अपनी टीम के साथ नाद की रिहर्सल की। सब तुम्हारा करम है आपा, ये सब तुम्हारा करम है आपा, ये सब तुम्हारा करम है आपा, ये बात अब तक बनी हुई है जा सोला
का बसेरा है, हर तरफ सवेरा है, नूर का बसेरा है, हर तरफ सवेरा है। आमिना की झोली में, आमिना की झोली में चांद मुस्कुराया है, रब का प्यारा जी।
अल्लाह करम अल्लाह 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 करम अल्लाह 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 करम अल्लाह 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 करम अल्लाह 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 करम हाजिर है तेरे दरबार अल्लाह करम अल्लाह 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 करम अल्लाह 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 करम अल्लाह 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 करम देती है सदा ये कश्मीरम अल्लाह करम अल्लाह 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 करम अल्लाह 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 करम अल्लाह 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 करम जिन लोगों पे आप तारुफ करवाइएगा हमारे साथ कौन कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटा और बहू तो क्योंकि इस्लामाबाद में वो जॉब करते हैं तो आई हैड रिक्वेस्टेड देम कि वो आ जाएं तो वो नहीं आ सके। तो इस वक्त मेरे साथ मेरी अहलिया है मुनीबा रऊफ और मेरी बेटी जैनब रऊफ और इनके मियाँ हसान और ये मेरा नवासा अहद हसन। अच्छा रूफ साहब ये बताइएगा जब आपकी शादी हुई तब भी आप नात खानी करते थे तब या गज़ल गायक थे आप? मैं उस वक्त गज़लें ही गाया करता था और लेकिन मेरा वो क्योंकि उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर चुका था एज ए लेक्चरर तो थोड़ा सा फिर मैं म्यूज़िक से थोड़ा सा दूर था मगर इतना ज़्यादा नहीं था थोड़ा बहुत था गज़ल का। तो जब तब्दीली आई नात खानी का आपने आगाज़ किया तो अहले खाना की तरफ से कोई तब्दीली का सामना या कोई मुश्किल का सामना हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए ये होगा कि ये मेरे से अब बहुत आगे है। मैं आपको बताऊं मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में पूरे मोहल्ले की ख्वातीन आती हैं 4 days in a week जिनको कुरान पाक पढ़ाया जाता है उनकी तजवीज़ ठीक की जाती है और तर्जमा और तफसीर और अहादीस ये पूरा एक ये अल्लाह ने हम दोनों पे करम किया है हमारा दोनों पे ऐसा वी आर बोथ आर ब्लेस्ड। अच्छा आप बताइएगा कि रफाकत को कितने बरस बीत गए और पहले गज़ल गायक थे फिर नात खान हुए तब्दीलियां किस तरह से हुई कैसा सामना आपको करना पड़ा? हमारी शादी को 32 years हो गए हैं और तब्दीली का सफ़र जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें उस जहालत से निकाल के तो अल्लाह ताला हमें जो है अपने रास्ते पर अल्लाह ने चलने की तौफीक अता कर दी। तो कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह
तो बहुत अच्छी ये तब्दीली जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफ साहब बहुत आलमी शोहरत याफ्ता नात खान हैं, लोग इन्हें बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, तो इनकी शोहरत से आपको कैसा लगता है, क्या फील करती हैं? बहुत अच्छा फील होता है, जितने अच्छे नात खान हैं और इससे ज़्यादा मैं आई एम ब्लेस्ड के रूफी बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो घर में ये खाने की फरमाइश करते हैं, आपको कुछ ख़ास पसंद है, इनके लिए क्या तैयारियां की जाती हैं खाने की जब घर पे होते हैं? रूफ़ी पहले बहुत फरमाइशें किया करते थे, अब जब से रूफ़ी में ये चेंज आई है तब से रूफ़ी इतनी फरमाइशें नहीं करते। तो रूफ़ी सुबह नाश्ते में जो है वो जौ का दलिया लेते हैं और दोपहर में भी जौ की या मल्टीग्रेन जो रोटी है वो लेते हैं। तो वो अब रूफ़ी का जो खाना है वो बहुत सादा हो गया है, तो जो भी मतलब हम पकाएं रूफ़ी ने कभी उसमें कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कह के खाते हैं। वैसे रूफ़ी को फ़िश और दाल माश बहुत पसंद है और करेले गोश्त भी पसंद है। अच्छा रूफ़ी साहब, एक कोई फ़िश का वाक़या आप अक्सर कोट करते हैं कि आपने कहा, वो क्या मामला? वो ये था कि एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि मुझे दाल माश और फ़िश पसंद है, तो अब ये हुआ कि ज़ाहिर जिस महफिल में जाते हैं वो पहले घर में बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो मैं जिस भी जगह जाऊँ तो एक बाउल पूरा जो है ना वो दाल माश का भरा हुआ पड़ा होता था। लोग फ़िश को भूल गए और दाल, आप यकीन करें 2 महीने हो गए और दाल ही दाल हर जगह, जिधर जाऊँ दाल माश। फिर मैंने दोबारा इंटरव्यू में कहा कि भाई मुझे फ़िश भी पसंद है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग अब कोई आप चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें कि फ़िश के और दाल के अलावा कोई चीज़? नहीं, फ़िश ही ठीक है जी, फ़िश ठीक है। अच्छा, करेले गोश्त मैंने ऐड कर दिया ना। हाँ ये मतलब आप बताइए कि एज ए फादर आप इनको कैसे देखती हैं, कितना प्यार आपसे करते हैं, बेटी से कितना प्यार है इनको? बाबा माशाल्लाह बहुत लविंग और बहुत केयरिंग है, और मैं क्योंकि एक ही बेटी हूँ और भाई भी एक ही है, तो हम दोनों को इक्वली स्पॉइल किया गया है। तो आपको शौक नहीं पैदा हुआ नात खानी का, या आप इनकी नातें सुनती हैं, या कुछ ऐसी फरमाइश होती है आपकी? सुनते हैं, स्कूल टाइम पे शौक था ज़्यादा, फिर लाइफ आगे गई, फिर एजुकेशन और फिर वो गया, लेकिन स्कूल में ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती थी मैं, तब बहुत शौक था। कोई ऐसी बचपन की बात जो आप बड़ी ज़िद करती हो और बाबा ने पूरी भी की हो, कोई ऐसा शेयर करेंगी हमारे साथ? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा ने कभी वो पॉइंट आने नहीं दिया कि बात ज़िद पे आए, वहाँ फरमाइश किया और वहाँ पूरी हो गई है। तो कभी भी बाबा ने ऐसा वो नहीं आने दिया कि जहाँ हम ज़िद करें मैं और मेरा भाई दोनों। और मुझे याद है कि बाबा रात में, क्योंकि मैं बहुत पसंद था मुझे घर घर खेलना, डॉल्स के साथ खेलना, तो बाबा रात को आते थे और वो प्रॉपर मेरे से कन्वर्सेशन करते थे, और मैं प्रटेंड करती थी कि मैं कोई आंटी हूँ और ये सारे डॉल्स हैं मेरे बच्चे हैं, और वो प्रॉपर मेरे साथ कन्वर्सेशन करते थे कि अच्छा इसका नाम क्या है, आप इसको कैसे पाल रही हो, या इसकी कैसे आप तरबियत कर रही हो। तो मैं वो बहुत इंजॉय करती थी, आई रियली मिस दैट। लेकिन अब एक तीसरी शख्सियत भी है, हम उनसे भी बात करते हैं। जी मेरा बेटा ही है, मैं तो इसको बेटा, मैंने कभी दामाद समझा नहीं है, बेटा ही समझा है, और इन्होंने भी बेटा ही बन के दिखाया है। आसान साहब आप बताएं कि इतने बड़े नाम आपके फादर बने, फादर इन लॉ हैं आपके, क्या फील करते हैं आप? ये बड़ा प्राउड फील करता हूँ मैं माशाल्लाह, और वैसे रूफ़ी साहब बड़े केयरिंग हैं और बड़े प्यार के लिए, मेरे लिए तो बस सिर्फ फादर ही हैं, कभी ऐसा फादर इन लॉ इस तरह कभी नहीं समझा, और बड़ा प्यार करता हूँ मैं भी इनसे, और ये भी मुझसे बहुत नात खानी में दिलचस्पी है, कोई नात इनकी पसंद करते हैं कभी फरमाइश की आपने कि नात आपको सुनाई है? वो तो वैसे हम करते रहते हैं फरमाइश, मगर मैंने जब बचपन से अगर मैंने मुझे किसी नात खान का पता था ना, तो वो रूफी अंकल का ही पता था, और इतना नहीं था नॉलेज, मीठा मीठा है स्पेशली जो बच्चों को काफ़ी पसंद होती थी, तो मैं ज़्यादातर रूफी अंकल की नातें ही सुनी बचपन से।
रूफी साहब खाना ज्यादा घर का खाना पसंद करते हैं? घर का भी और बाहर का भी। हमारी किस्मत ऐसी है ना जी कि मैं जिस शहर में भी जाता हूँ तो लोग वहाँ की जो बेस्ट चीज़ होती है ना, जो सौगात होती है, वो मेरे सामने पेश करते हैं। वो बेस्ट चीज़ होती है, तो बाहर से भी अच्छा और घर से तो बहुत टेस्ट है मेरी बेगम के हाथ में। तो मीठे में क्या पसंद करते हैं? हलवा आपको भी पसंद है? मीठे में नहीं, मैं हलवे वाला मौलवी हूँ ही नहीं। नहीं, मैं मूज वाला हूँ। हाँ, चॉकलेट्स और ये वो हलवे वाले नहीं हैं हम। अपने बचपन के दोस्त नसीम से मिलने उनकी रहायशगाह पर पहुंचे। रूफी साहब बताइएगा, हम किन के पास आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे बचपन के, जिसको कहना चाहिए ना जी, एंटीक दोस्त हैं। 48 इयर्स पुराने मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मेरे हर तरह का वक्त देखा हुआ। और जो पुराने दोस्तों के पास बैठ के जो आपको तरावट और जो आपको एक तवानाई मिलती है ना जी, वो मल्टीविटामिन से भी नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे। तो मैं जब बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ तो मैं फिर इसके पास आ जाता हूँ। नसीम साहब बताएं कि 48 इयर्स जिंदगी के गुजरे आपके रूफी साहब के साथ। इतने ज़बरदस्त ये पीरियड गुजरा है जी हमारा 48 इयर्स का, बचपन से लेके। मेरा इनके साथ बहुत ही ज़्यादा ताल्लुक रहा है। जहाँ भी इनका कोई फंक्शन होता था तो मैंने डेफिनेट वहाँ पहुँचना होता था। मुझे इनको सुनने का बड़ा ही शौक़ है। और इनकी वालदा हमेशा कहती थी कि ये आखिर ये यू टर्न लेगा और सही ट्रैक पे आ जाएंगे। और माशाल्लाह, फिर आपको पता है कि माँ की दुआएं तो बहुत करीब से लगती हैं। और इन्होंने फिर ये जो टर्न लिया, तो अब तो आपको पता है कि दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत पढ़ते हैं। मैं रात भी इनकी वो, इन्होंने कुछ मुझे क्लिप्स भेजे हुए थे नातों के, वो मैं सुन रहा था। उसमें तस्नीम नूरानी साहब हैं, वो भी साथ थे, और साथ रूफी साहब से। इतना खूबसूरत ये पढ़ते हैं कि मज़ा आ जाता है। तो आप बात कर रहे थे कि अक्सर रूफी साहब कहते हैं वो दौरे जहालत था। हाँ, तो उस दौर में क्या कुछ करते थे? उस दौर में म्यूजिक होता था, और ये वो ऐसा जमाना था जिसमें ये जो आजकल सोशल वैल्यूज हैं उस वक्त नहीं थी। शराफत का जमाना था, कोई बदतमीजी नहीं, कोई बदमाशी नहीं। हम सारी सारी रात यहाँ बाबर चौक में बैठे रहते थे। वहाँ होटल था चाय का, सारी रात चाय पीते रहना, गपशप लगाते रहना। जब सुबह का टाइम होना तो फिर अपने अपने घरों को सामने निकल जाना। जब आप गज़ल गायकी करते थे तो उसमें तो बड़ा दुख और तकलीफ़ होती है, तो क्या आपका भी ऐसा कोई बिला वास्ता ताल्लुक था दुख से? मैं गज़ल में तो मैं समझता हूँ इट्स ऑल फुल ऑफ लव जी, दुखी वाला वो तो जो फोक सिंगिंग है ना उसमें कुछ दुखी चीज़ें हैं, बट गज़ल जो है वो तो इट्स सिर्फ सापा मोहब्बत है।
तो आपका भी कोई मोहब्बत से ताल्लुक रहा है? मोहब्बत देखें जी, मोहब्बत माँ से, मोहब्बत भाइयों से, मोहब्बत अल्लाह से, मोहब्बत अल्लाह के नबी से, मोहब्बत मोहब्बत इज एवरीवेयर। मारूफ शायर साइम चिश्ती के मजार पर पहुंचे लतीफ साजिद ने इस्तकबाल किया। हजरत अलामा साइम चिश्ती के मजार पर फातिहा पढ़ी। रूफी साहब, हम आए हैं यहाँ पे, तारुफ करवाइएगा जी। पाकिस्तान के बल्कि दुनिया इस्लाम के बहुत बड़े नात गो शायर हजरत साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मज़ार अकदस पे पहले जाके हमने फातिहा खानी की है, उनके ये साहबजादे हैं जनाब मोहम्मद लतीफ़ साजिद साहब। और बहुत खूबसूरत नातिया कलाम, बहुत खूबसूरत नातें लिखी हैं इन्होंने, और कुछ ऐसे काम किए हैं, मसलन कसीदा बुर्दा शरीफ के तकरीबन 159 शेर हैं, उन सब का पंजाबी में मंजूम तर्जमा किया है, और पंजाबी ज़बान में मेरे ख़्याल में ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, पहले आदमी है जिन्होंने उसका वो मंजूम तर्जमा किया, और वो मैं अनकरीब वो इंशाअल्लाह उसको हम लॉन्च कर रहे हैं, उसको हम तैयार कर लिए हैं, वो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। और इसके अलावा जितने भी हमने सहाबा कराम की और अरबी के हवाले से जो कलाम है, एक तो होता है ना तर्जमानी करना, एक होता है तर्जमा करना। मैंने और भी हम लोगों से कुछ चीज़ें कह के करवाते हैं, मगर जितना तर्जमे के क्लोज लतीफ़ साजिद साहब लिखते हैं ये इन्हीं का खासा है। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैंने टेलीफोन पे रिक्वेस्ट की है कि जी आज हम आपसे मिलने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरे दरवाजे तो हर वक्त खुले हैं, आप जब चाहे जी चाहे आ जाएं। तो आप ही का कह रहे हैं ये। तो लतीफ़ साहब, कितना कलाम रूफी साहब ने आपका पढ़ा है और किस तरह का पढ़ते हैं, आपको क्या महसूस होता है? इनका अपना ही अंदाज़ है, ये सब लोग जानते हैं, मेरे कहने की क्या बात है। इन्होंने मुख्तलिफ़ जहतों से नात खानी को फ़रोग दिया, बिलखसूस इन्होंने ये जो नौजवान है उनमें ये जज्बा रासख किया और अपने साथ लेकर चले हैं बहुत से लोगों को, फिर वो अलग उनकी अपने अपने शिनाख्त भी बनी इन्हीं की वजह से। तो ये है कि इनका एक खासा है कि ये मुनफरद कुछ करना चाहते होते हैं, कुछ ना कुछ जो दूसरे नहीं कर रहे होते, तो ये इनका एक खास हवाला है मेरी नज़र में। बिल्कुल ऐसे ही है। और इनका खासा मुजाहिद साहब ये भी है कि मैं घर से निकला हूँ और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि इस ज़मीन का मुझे काफ़िया रदीफ़ के साथ मुझे कलाम चाहिए, और मैं स्टूडियो पहुंच रहा हूं। मेरे स्टूडियो पहुंचने तक ये कलाम अल्लाह के फजलो करम से वो लिखा होता है और मैं जाकर रिकॉर्ड करवा देता हूं। 15 मिनट में भी हमें कलाम मिला। तो कोई ऐसा कलाम आपका जो आपको भी बड़ा पसंद हो, जो इन्होंने पढ़ा हो, आप कोई बताएं, हम इनसे थोड़ा सा सुनते भी हैं। खुसूसी तौर पर दुरूद अहले बैत जो है, जो पूरी दुनिया में इस वक्त सुना जा रहा है, जो इनकी भी पहचान है, और मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए भी एजाज़ है कि इन्होंने उसको इस अंदाज से पढ़ा कि अब सारे नात खान इनके पीछे पीछे चल पड़े हैं और तमाम नात खान इनको कॉपी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि दुरूद अहले बैत का कोई शेर आप सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद وعلى سيدنا علي وسيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آلہ وصحبه وبارك وسلم جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ ہی کا انداز ہے اچھا روفی صاحب جتنے بھی آج تک آپ نے کلام پڑھے ہیں اس میں کبھی خود بھی شاعری کرنے کا اتفاق ہوا ہے خود بھی اشعار لکھتے ہیں یا محمد لطیف ساجد صاحب ہی انہی کے پاس آتے ہیں جی بابا جی کا وہ جو پہلے منقبت آپ نے پڑھی سب سے پہلے لکھوا کر ہاں جی سب سے جب آج سے یہ تقریباً کوئی 30-35 سال پہلے کی بات ہے یا 40 سال کی ہوگی تو اس وقت ضرورت پڑی کہ سیدہ آمنہ کی منقبت آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں پورے پاکستان سے جو کچھ ہم نے لٹریچر پھولا اس میں ایسی وہ ملی نہیں تو حضرت سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے درخواست کی گئی کہ ہمیں یہ کلام لکھ کے دیا جائے انہوں نے پھر وہ ہمیں کلام دیا انہوں نے آلریڈی لکھا ہوا تھا والدین مصطفیٰ کتاب میں انہوں نے شامل کیا ہوا تھا وہ پھر ہم نے پڑھا وہ فرسٹ ٹائم کسی نے بی بی سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت پڑھی تھی وہ بھی اس فقیر کو اعزاز حاصل ہے سب سے پہلی منقبت پڑھی گئی پلیز اگر چاند وہ رتبہ تیرا یہ میں سمجھتا ہوں آج کل اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضور کی ولادت کے دن چل رہے ہیں بے شک وہ رتبہ تیرا سیدہ مینا نور ہے آپ کا سیدہ مینا سیدہ آمنا سیدہ مینا سیدہ آمنا سیدہ آمنا از ازل تا ابد پاک ہی پاک ہے از ازل تا ابد پاک ہی پاک ہے سب گھرانا تیرا سیدہ آمینہ سب گھرانا تیرا سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ ماشاءاللہ آپ کوئی اس بابرکت مہینے کے حوالے سے کوئی پیغام یا کوئی بات کرنا چاہیے کوئی شعر سنا دے چاہے شعر کی صورت میں چاہے منظوم چاہے ویسے تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا یہ تازہ شباب ہی ہے ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا کوئی مثل نہیں جانی دی قسم خدا کھاوے اودی چڑھ دی جوانی دی کوئی مثل نہیں جانی دی قسم خدا کھاوے اودی چڑھ دی جوانی دی ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا وہ مشکو عنبر کے بوئے جنت
नजर में उसकी है बेहकीकत, मिला है जिसको मला है जिसने पसीना रश के गुलाब तेरा, नजर में उसकी है बेहकीकत, हो मुझको अंबर के बुए जन्नत, मिला है जिसको मला है जिसने पसीना रश के गुलाब तेरा, और है तू भी सायम अजीब इंसान के रोजे माशर से है हिरासा, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता वही तो लेंगे हिसाब तेरा, सुभान अल्लाह, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता वही तो लेंगे हिसाब तेरा। क्योंकि आला हजरत ने भी ये कहा था ना, सुनते हैं कि माशर में बस उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है अपनी तो बनाई। सुभान अल्लाह, सलामत रहे, सलामत रहे लतीफ साहब, सलामत रहे। मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पहला को सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पहला, जिस सुहाने घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सारत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलामे आजजाना हो कबूल।